नमस्कार मित्रों, मैं रवि आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल R&R अपना मोदी केयर में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है 10 कॉमन मिस्टेक्स। 10 कॉमन मिस्टेक्स क्या है जिसको आम नेटवर्कर करता है और इस बिजनेस में फिर सक्सेस नहीं होता है। तो हम उस मिस्टेक्स के बारे में वन टू वन जानेंगे और समझेंगे, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको आप लोग खुद पे अप्लाई करेंगे, अपनी टीम पे अप्लाई करेंगे, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो फर्स्ट हम मिस्टेक की बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट मिस्टेक होता है अपना रिवेंट द व्हील। तो ये व्हील से हमारा एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, अगर हमको क्या कहते हैं इस व्हील पे जाना है तो सिस्टम बाय सिस्टम ही हम इस पे जा सकते हैं, और हमको फॉलो सिस्टम करना है उस सिस्टम को जो ऑलरेडी सक्सेस जिस पे जाए जिसको यूज करके लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं और हमारे सामने लाइव एग्जांपल है। तो हमें कुछ भी नया इन्वेंट नहीं करना है, जो सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है, और उसी सिस्टम को जो ट्रस्टेड और ट्रस्टेड सिस्टम है उसको हमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों, फर्स्ट मिस्टेक ये था, अगर जो लोग इस सिस्टम को अप्लाई नहीं करते हैं, उसको सीखते नहीं हैं, वो इस बिजनेस में मिस्टेक करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक के बाद हम चलते हैं सेकंड मिस्टेक में, रिफ्यूजिंग टू बी अ टीचेबल एंड कोचेबल। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ सुनना नहीं चाहेंगे, समझना नहीं चाहेंगे, तो हम इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। अगर हम खुद ही नहीं सीखना चाहेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। एज अपलाइन हमारा काम है हमको उनको इंफॉर्मेशन देना, बताना, बट अगर आप नहीं सीखना चाहते हो, आपके अंदर सीखने का लगन नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर दोस्त, अगर आप सीखना चाहते हो, आप में लगन है, आप में जोश है, जुनून है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और तो ये सेकंड के बाद हम चलते हैं थर्ड में। थर्ड मिस्टेक क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे थिंकिंग शॉर्ट टर्म। तो हम कुछ छोटे ही समय में कुछ सोच लेते हैं कि हमको क्या कहते हैं इस बिजनेस में, हमको 6 मंथ हुए, हमने प्रोडक्ट परचेज किया, हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इस ये सब कंडीशंस होती हैं, ये सब सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से लोग क्विट कर जाते हैं और उसको समझते नहीं है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जब ये हम क्या बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो जैसे कोई कोई बड़ी इमारत बनानी होती है, तो उसके लिए हम पहले फाउंडेशन, उसकी नींव की खुदाई होती है, उसका फाउंडेशन बनता है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें इसमें टाइम देना पड़ेगा, और इसमें टाइम दे के अगर हम सिस्टम से चलते हैं तो सक्सेस होते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास है, चाइनीज बम्बू ट्री जो होता है, जो हम यूज करते हैं, तो पहले उसमें रूट्स निकलते हैं, रूट्स निकलने में काफी टाइम लगता है, और उसके बाद जाके उसका शूट का डेवलपमेंट होता है। सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, जब भी कोई सीड अगर हम मिट्टी में बोते हैं तो क्या होता है, उसका रूट जाता है, पहले जो रूट अंदर जाता है और रूट डेवलप होता है, फिर जाके शूट डेवलप होता है। तो इस बिजनेस में हम आए हैं तो पहले हमको सीखना है, और अपने सीखते हैं तो हम अपना रूट मजबूत करते हैं, न्यू मजबूत करते हैं, फिर जाके हम एक बड़ा बिजनेस में खड़ा कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द छोटे टर्म में सोच के और इस बिजनेस से वो मतलब जो नहीं फुलफिल होता है उससे क्विट कर जाते हैं लोग। तो शुरुआत में हमको एज अ अपलाइन फोकस करना है कि जो हमारे न्यू ज्वाइनीज हैं उनको हम फर्स्ट 10% कराएं, उनको उनका टीम बनवाएं, उनको जितने ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सकती है उनको दिलवाएं। तो ये था थर्ड मिस्टेक। और उसके बाद आता है फोर्थ मिस्टेक के बारे में, तो टॉकिंग नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल। तो दोस्तों, ये बिजनेस ही लोगों का बिजनेस है, हमें बात करना बंद नहीं करना है। सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल। तो जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, जितना अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, उतना ही फास्ट ट्रैक में हमारा बिजनेस ही चलेगा। तो दोस्तों, लोग कुछ लोगों को बात करना नहीं अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बात कहना नहीं आता है, तो उस सब चीजों में लोग इससे क्या कहते हैं क्विट कर जाते हैं, नहीं समझते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए दोस्तों, उसमें आपको अपने अपलायंस से बात करना चाहिए, उनके साथ होम मीटिंग करना चाहिए, डेमो कराना चाहिए, मीटिंग में आना चाहिए, तो उससे आप सीखेंगे। दोस्तों, मैं अपना खुद बताता हूँ, मैं खुद नहीं
एक वर्ड नहीं बोल सकता था, लेकिन मैं हमारे अप्लायंस का, इस मोदी केयर सिस्टम का मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतना अच्छा लर्निंग का हमें सिस्टम दिया, जिससे कि आज मैं अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। तो ये फोर्थ स्टेप की बात चलते हैं, फिफ्थ की बात करते हैं दोस्तों, नॉट हैविंग अ बिजनेस ओनर मेंटेलिटी। तो आपके अंदर अगर बिजनेस ओनरशिप का मेंटेलिटी नहीं है तो आप इसमें क्विट कर जाएंगे। क्या होता है कि हम कोई भी बिजनेस करने के लिए टाइम लगता है, तो और उसमें हम मतलब ये नहीं फील करेंगे कि जैसे आपको छोटी छोटी जो अचीवमेंट है, सपोज आप फर्स्ट मंथ आप ज्वाइन किए, फर्स्ट मंथ आपको एपीबी मिलता है, आपको 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज मिलता है, तो आप उसको सेलिब्रेट करिए, आप उसको फील करिए कि हम खुद एक रियल बिजनेसमैन है और हम मिलियन डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन की तरह उसको फील करिए। और धीरे धीरे दोस्तों यही बिजनेस मतलब कब देखते देखते हजार हजार से 10,000, लाख 10 लाख कितना हो जाएगा, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हम खुद इसी सिस्टम को फॉलो करके कितने हमारे टॉप लीडर्स अर्न कर रहे हैं। तो शेक्स पे आते हैं, प्रोकास्टेटिंग। प्रोकास्टेटिंग क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि किसी चीज को ना मानना। हाँ, जैसे कि द बिजनेस डिमांड इमीडिएटली एक्शन एंड द सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो मतलब टाल मटोल करना, जैसे कि हम कई सारे एक्सक्यूजेस देते हैं कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, या अभी हम कहीं दूसरे चीज में बिजी हैं, आज हम मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। तो इन सब चीजों की वजह से क्या है कि आप पीछे रह जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है कछुआ और खरगोश का, तो खरगोश तो दौड़ता बहुत तेजी है, लेकिन अगर वो उसको कंटिन्यू नहीं करेगा तो वो नहीं जीत पाएगा। अगर कछुए की बात करें, कछुआ धीरे 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 चलता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन उसको लगातार चलता है, फिर जाके वो जीतता है। तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हमें जो भी एक्शन लेना है अभी लेना है, अभी से स्टार्ट करेंगे, और हमें बात के लिए टाल मटोल नहीं करना चाहिए। अगर हम टाल मटोल करते हैं तो हम इस बिजनेस में मिस्टेक कर रहे हैं फ्रेंड्स। सेवेंथ आता है, टॉकिंग रिजेक्शन टू द हार्ट। तो जो भी हम इस बिजनेस में मैक्सिमम परसेंटेज रिजेक्शंस का ही है दोस्तों। अगर हम 100% की बात करें तो इसमें आपको मोर देन 50% रिजेक्शन मिलेंगे, उसके बाद ही एक्सेप्टेंस मिलता है। तो रिजेक्शंस को बाई हार्ट नहीं लेना है आपको, रिजेक्शंस से आपको अपने अंदर डेवलपमेंट करना है कि हम किस तरह से कोई चीज, जैसे मान लीजिए आपने प्रोस्पेक्टिंग किया तो उसमें शायद प्रोस्पेक्ट को अच्छे से नहीं समझ में आया या जो भी है, तो आप उसमें अपने अंदर क्या बदलाव लाए, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें कि हमारा प्रोस्पेक्टिंग अच्छा हो, हमको अपना एवरेज कैसे इम्प्रूव करना है, वो चीज पे हमको बिल्ड मतलब स्किल सीखना है और उसको बनाना है। तो इसमें क्या है, रिजेक्शंस को हमें दिल से नहीं लेना है। रिजेक्शन को जैसे एक रिजेक्शन हुआ उसके बाद दूसरा हुआ, उसको हमें स्टेप बाय स्टेप बना के सक्सेस को अचीव करना है, ना कि रिजेक्शन से हटके हमको बाहर निकल जाना है। तो दोस्तों रिजेक्शंस को जो हैंडल नहीं कर पाता है वो इस बिजनेस में मिस्टेक करता है और क्विट कर जाता है। एट की बात करते हैं, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द नॉन एक्सपर्ट्स। तो दोस्तों मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी जो इस बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स नहीं है, उनका डिसीजन ना ले, क्योंकि कई लोग आपको मिलेंगे, अरे ये किस जॉब में फंस गए, या कैसा बिजनेस कर रहे हो, इसमें कुछ बेनिफिट नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उस सिस्टम के बारे में नहीं जानते। बट अगर आप इस सिस्टम से जुड़े हैं, आप जानते हैं कि कैसे इसमें अर्निंग होती है, क्या कैसे इसका कैलकुलेशन सिस्टम होता है, क्या हमको करने पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप जान रहे हैं, आपका अपलाइन जान रहा है, अपलाइन का अपलाइन जा रहा है। तो जब भी आप कंसल्ट करें, एडवाइस लें, तो आप अपने टॉप अपलाइन से एडवाइस ले सकते हैं। और नाइन्थ की बात करें, टॉकिंग निगेटिव। तो कभी भी हमको निगेटिव बातें नहीं करनी है अपनी टीम के साथ, अपने टीममेट के साथ, स्पेशली आप क्या कहते हैं कि अपने डाउन लाइन्स के सामने कभी भी निगेटिव टॉक ना करें, क्योंकि अगर हम निगेटिव टॉक करेंगे तो वही क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में जाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के मुताबिक वही हमको रिटर्न मिलता है। तो नेवर निगेटिव टॉक, अगर हम निगेटिव टॉक करेंगे तो कब हमारे माइंड में कौन सा बात क्लिक करेगा और हम इस बिजनेस से में मिस्टेक करेंगे। तो 10th आता है, लास्ट है दोस्तों, नॉट मैनेजिंग टाइम। तो दोस्तों इस बिजनेस में
हमको टाइम मैनेजमेंट बहुत सीखने को मिलता है। अगर हम टाइम मैनेज नहीं करते हैं तो इस बिजनेस में मिस्टेक करते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी के पास समय एक ही है, चाहे वो बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो क्या कहते हैं मिडिल क्लास का हो, चाहे लोअर क्लास का फैमिली हो, सबके पास वही 24 आवर ही है। उस 24 आवर में आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसको अपने डेवलपमेंट में, बिजनेस डेवलपमेंट में लगाते हैं, या उस टाइम को आप टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम किल करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर हम अपना प्रॉपर प्लानिंग के साथ टाइम मेंटेन नहीं करेंगे तो हम इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था 10 कॉमन मिस्टेक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को शेयर किया। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।